हाई एवरीवन, जब से साउथ का मूवी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हुए हैं, तब से बॉलीवुड का कोई ना कोई हीरो हीरोइन को मूवी का अंदर में दिखाई दे रहा है साउथ का। दोस्तों बात करते हैं उसी तरह हारी हारा बेर मल्लू की जो मूवी आने वाला है। दोस्तों इस मूवी में सनी देओल यानी बॉबी देओल को इस मूवी में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, और जब से इसका चेहरा रिवील किया गया है तब से लोग बेसब्री से इस मूवी का इंतजार कर रहे हैं। तो आज का वीडियो में आप लोग को इस मूवी का सारे के सारे जानकारी देने जा रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहे। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी का मेन हीरो यानी जिसका नाम है पवन कल्याण, जो आपको मेन रोल में देखने के लिए मिलेगा और छाती में देखने के लिए मिलेगा नोरा फाती और निधि अग्रवाल को, जो आप लोग को यानी दोनों को हीरोइन के रूप में देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्टर का, राधा कृष्ण जगरला मोदी यानी इस मूवी को डायरेक्ट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पवन कल्याण का इस मूवी का जो कहानी होने वाला है यानी बहुत ही एक्शन और मज़ेदार छीन वाली मूवी होने वाला है, लेकिन इसका जो हिस्ट्री है अभी तक कुछ पता नहीं चला, क्योंकि मूवी अभी तक शूटिंग में है और कुछ दिन का अंदर में शूटिंग ख़त्म किया जाएगा, और जैसे इसके बारे में और भी कुछ नया अपडेट आएगा तो आप लोग को ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिएगा। दोस्तों जैसे ही छानी देओल का इस मूवी को मतलब एक विलेन का रूप में दिखाने के लिए एंट्री किया है, तब से लोग और बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों छानी देओल को और यानी पवन कल्याण को एक साथ में देखने के लिए मिलेगा, दोनों अपोजिट में फाइट करते हुए, तो आप लोग कितना एक्साइटेड है पता नहीं, लेकिन मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए दोस्तों, क्योंकि इस बार और भी कुछ नया और धमाका होने जा रहा है इस मूवी का अंदर में दोस्तों। तो विलेन का रूप में देखने के लिए मिलेगा सनी देओल बॉबी देओल को, और हीरो का रूप में देखने के लिए पवन कल्याण को दोस्तों। और हीरोइन भी बहुत ही मस्त है, कहानी भी बहुत ही मस्त होने वाला है। अभी तक कुछ पता नहीं चला कहानी क्या होने वाला है, क्या कहानी लेकर इस मूवी को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों कहानी जैसे पता चलेगा सबसे पहले आप लोग को बताने के लिए कोशिश करेंगे। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी का रिलीज डेट के बारे में दोस्तों, जो आपको देखने के लिए मिलेगा बहुत ही करीब आ चुका है 2023 में, यानी 30 मार्च 2023 को इस मूवी को आपको बड़े बड़े पर्दे में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों इस मूवी का खर्चा जो होने वाला है लगभग 200 करोड़ का आसपास में, क्योंकि मूवी होने जा रहा है पैन इंडिया रिलीज और कमाई भी तो बहुत होने वाली है, तो खर्चा तो थोड़ा कम ही है और भी होना चाहिए था दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा मैं न्यूज मूवीज़ के बारे में बात करता हूँ, मेरा चैनल में जाके देखिएगा सब वीडियो सब मूवी का रिलेट के बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड